दरियाबंद जिला के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छुरा में लॉटरी पद्धति से छात्राओं का चयन किया गया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छुरा में छात्र छात्राओं का लॉटरी पद्धति से पर्ची निकालते हुए चयन हुई। इस अवसर पर छुरा तहसीलदार एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व नगर पंचायत सीएमओ तथा अन्य लोगों की उपस्थिति में पूरे पारदर्शी तरीके से छात्रों का चयन किया गया। वहीं तहसीलदार छुरा एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व नगर पंचायत सीएमओ ने आत्मानंद विद्यालय के परीक्षा परिणाम को बहुत अच्छा बताते हुए सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही जिन बच्चों का चयन नहीं हो पाया उनको एवं उनके पालकों को निराश नहीं होने और आने वाले दिनों में फिर से प्रयास करने की बात करते हुए उन्हें सांत्वना दी गई और समस्त शिक्षकों को कहा कि इस सत्र और भी अच्छा प्रयास करें जिससे कि बच्चों का परीक्षा परिणाम और भी बेहतर हो। वहीं इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी कर्मचारियों के साथ शिक्षक शिक्षिकाएं पालकगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। देखिए क्या है कि इस सत्र का जो लॉटरी जो प्रोसेस हुआ है वो शासन के आदेशानुसार माननीय कलेक्टर महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार आज का डेट निर्धारित किया गया था छुरा के लिए लॉटरी प्रोसेस का। तो हमारे यहाँ कक्षा पहली के लिए, चौथी के लिए और आठवीं के लिए आज लॉटरी पद्धति से विद्यार्थियों का चयन किया गया है। तो कक्षा पहली में कुल 105 आवेदन हमको प्राप्त हुए थे जिसमें 93 जो आवेदन थे वो वैध आवेदन हमको प्राप्त हुए थे और उसमें से 50 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है कक्षा पहली में। उसमें कैटेगरी वाइज था, BPL था, कन्या बालिका वर्ग और आपका APL, तो तीन कैटेगरी में नियमानुसार विद्यार्थियों का चयन किया गया है। और उसके बाद कक्षा चौथी के लिए हमारे पास केवल एक ही सीट था और एक सीट में हमारे पास टोटल 6 आवेदन आए थे जिसमें 5 जो आवेदन है वैध पाए गए थे और उसके आधार पे एक विद्यार्थी का उसमें चयन किया गया है। कक्षा आठवीं में हमारे पास कुल 12 आवेदन आए थे, उसमें 10 आवेदन परीक्षण के पश्चात वैध पाए गए, उसमें से 2 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। तो इस प्रकार आज की पूरी जो लॉटरी हमारी प्रक्रिया थी उसमें तहसीलदार छुरा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी छुरा, नगर मुख्य नगर पंचायत अधिकारी छुरा, प्राचार्य हिंदी माध्यम से जैसे एनसी साहू जी की गरिमा में उपस्थिति के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ लॉटरी प्रक्रिया का प्रोसेस किया गया है।